आज मैं आपको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, 8086 की लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। कल की क्लास में आपने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, आज जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लॉजिकल के नाम से आपको जैसे पता पड़ रहा है, जो भी लॉजिकल गेट वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड ऑपरेशन इसके अंदर आती है। तो आपको पता ही है, पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, 6 तरह की इसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ये जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये, इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, वो कहलाती है बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। अब जो ये बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, इसमें तीन पार्ट आ जाते हैं आपके, एक तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, एक शिफ्ट इंस्ट्रक्शन और तीसरी रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो बिट मैनिपुलेशन, तीसरे नंबर पे आप इसको बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। इसके तीन पार्ट हो गए, पहले पार्ट क्या हो गया, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो कि इसमें दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, और इसको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को और वाइड वे में कह के फिर इसके दो और तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट आ जाएगा आपके शिफ्ट इंस्ट्रक्शन और तीसरा पार्ट आ जाएगा इसमें रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम तीनों इंस्ट्रक्शन ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंदर ही पढ़ेंगे। तो इसको हम बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, एग्जाम में अगर बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो बेसिकली वो क्या है, वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ही है। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब पहली जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है वो एंड है, तो एंड इसके अंदर आपके एंड ए सी डॉट डेटा और या एंड ए डॉट डेटा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एन इमीडिएट डेटा विद ए एल और ए एक्स रजिस्टर। जो एंड कर देता है किसको, इमीडिएट डेटा को, ए एल और डेटा एट, जैसे ये दे रखा है आपने राइट हैंड साइड में देखिए, ए एल और डेटा एट को एंड ऑपरेशन करके रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में, ए एल के अंदर। इसी तरीके से अगर आपका 16 बिट का डेटा है तो ए एक्स एंड आपके डेटा 16 बिट का और उसके रिजल्ट आपका स्टोर हो गया ए एक्स के अंदर, क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर है। इसी तरीके से रजिस्टर डेटा सेकंड कॉलम में देखिए, सेकंड रो के अंदर, इसके अंदर रजिस्टर और डेटा को एंड कर दिया और रिजल्ट किस में स्टोर हुआ, रजिस्टर में। इसी तरीके से मेमोरी और डेटा को एंड कर दिया तो रिजल्ट किस में स्टोर हुआ, मेमोरी में। तो ये एंड इंस्ट्रक्शन होगी। इसी तरीके से और सेम जैसे एंड की थी वैसे ही और की है, तो रजिस्टर टू रजिस्टर वन और है, तो एक्स और एक्स और सेम सी है लगभग, तो और की ये हो गई, एक्स और की है ये। एंड की जैसे ऑपरेशन है वैसे ही आप और की भी ले सकते हैं, अपन एक्स और की देख लेते हैं अभी। तो एक्स और के अंदर आप देखिए रजिस्टर टू और रजिस्टर वन का एक्स और ऑपरेशन है और रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, रजिस्टर टू में। दूसरी कमांड के अंदर रजिस्टर टू और मेमोरी का एक्स और ऑपरेशन है और रिजल्ट स्टोर हो रहा है आपके रजिस्टर टू में। और तीसरी जो कमांड है आपकी वो मेमोरी और रजिस्टर का और एक्स और ऑपरेशन है और रिजल्ट का स्टोर हो रहा है मेमोरी में। इसी तरीके से आप रजिस्टर डेटा भी कर सकते हैं आप एक्स और ऑपरेशन से और रिजल्ट का स्टोर हो जाएगा रजिस्टर में। मेमोरी डेटा भी कर सकते हैं आप और रिजल्ट का स्टोर हो जाएगा
मेमोरी में। एक्यूमुलेटर डेटा कर सकते हैं, डेटा अगर 8 बिट का है तो AL और 16 बिट का है तो AX। इसको आपने XOR करा, रिजल्ट कहाँ गया? AL में गया। और 16 बिट का डेटा है तो रिजल्ट कहाँ गया? AX में गया। तो ये आपके XOR कमांड हो गई। तो आपने अभी एंड पढ़ी और पढ़ ली, एंड और सेम सी कमांड है, केवल आपके नोटिफिकेशन एंड और की जगह चेंज हो जाएगा, एक्स और कमांड होगी। अब आप आइए टेस्ट, ना टेस्ट टेस्ट एसी डॉट डेटा, इमीडिएट डेटा एंड इमीडिएट डेटा विद AL और AX रजिस्टर बट डू नॉट रिटर्न द, ये भी एंड वाली है, इमीडिएट डेटा से हो रहा है लेकिन इसके अंदर डू नॉट रिटर्न द रिजल्ट इज द एक्यूमुलेटर। इसके अंदर रिजल्ट जो है टेस्ट कमांड के अंदर एंड ऑपरेशन हो रही है लेकिन रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में नहीं जा रहा है। इसके अंदर जो फ्लैग रजिस्टर इज अफेक्टेड, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है सिमिलर टू एंड ऑपरेशन के है, बस इसमें जो डिफरेंस क्या हो रहा है, इसमें रिजल्ट जो है आपका एक्यूमुलेटर में न जाके आपके या रजिस्टर टू रजिस्टर मेमोरी में न जाके, जैसे कि दे रखा है इसमें रजिस्टर टू रजिस्टर वन न जाके ये फ्लैग मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे देखिए आप टेस्ट रजिस्टर टू कॉमा रजिस्टर वन, तो रजिस्टर टू और रजिस्टर वन का एंड ऑपरेशन हो रहा है और जो एंड ऑपरेशन के कारण ये फ्लैग को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये बेसिकली एंड ही ऑपरेशन और एंड ही वो है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें फ्लैग मॉडिफाई हो रहे हैं आपके, उसमें नहीं जा रहा डेटा एक्यूमुलेटर में या रजिस्टर में या मेमोरी के अंदर जो भी आपके चीज़ें होती हैं उसमें नहीं जा रहा है। तो ये सारी कमांड देख लीजिए आप, टेस्ट रजिस्टर टू मेमोरी, अब इसके अंदर रजिस्टर टू का डेटा मेमोरी से एंड है, एंड ऑपरेशन हो रही है, ये अगेन फ्लैग को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से तीसरी कमांड टेस्ट मेमोरी डॉट कॉमा रजिस्टर वन, तो ये भी मेमोरी से एंड हो रही है। अब अगर ये एंड ऑपरेशन होती तो ये जो रिजल्ट कहाँ जाता है, इसका मेमोरी में जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लैग मॉडिफाइड हो रहा है। इसी तरीके से रजिस्टर कॉमा डेटा, तो रजिस्टर और डेटा एंड हो रहा है और ये जो रिजल्ट क्या कर रहा है, इसका फ्लैग को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से टेस्ट मेमोरी कॉमा डेटा, तो मेमोरी और डेटा एंड हो रहा है और रिजल्ट जो है फ्लैग को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ आखिरी में जो दो कमांड है टेस्ट AL कॉमा डेटा 8, पहले बता चुका हूँ मैं, एक्यूमुलेटर के अंदर एक्यूमुलेटर डेटा से एंड हो रहा है और उसके बाद ये फ्लैग को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से आपके टेस्ट AX, ये 16 बिट डेटा है, 16 बिट डेटा आपका AX से एंड ऑपरेशन हो रही है और रिजल्ट का ये इसके अंदर भी क्या हो रहा है, फ्लैग मॉडिफाइड हो रहा है। तो ये आपकी हो गई ये कमांड टेस्ट कमांड। अब आप क्या आइए नेक्स्ट कमांड है आपकी SHR और SHL। तो SHL मेमोरी रजिस्टर, इसमें क्या कर रहा है, ये शिफ्ट द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कंटेंट राइट,
शिफ्ट राइट, शिफ्ट द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कंटेंट टू द राइट, टू द राइट। तो आप देखिए इसके अंदर शिफ्ट रजिस्टर कॉमा वन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपके शिफ्ट बाय वन बिट। सो बेसिकली ये जो कमांड है आपकी वो है लॉजिकली शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, लॉजिकली शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है आपकी डेटा को शिफ्ट कर देती है, जो रजिस्टर के अंदर डेटा है उसको एक बिट से शिफ्ट कर देती है। तो SHR मेमोरी ये भी देख रहे हैं आप, ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको शिफ्ट कर देती है। तो LSD का डेटा किस में चला जाता है, इसमें, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है तो ये कैरी फ्लैग में चला जाता है। देख रहे हैं आप इस डायग्राम के अंदर LSD का जो डेटा है, B0 का जो डेटा है वो कहाँ चला गया, कैरी फ्लैग में चला गया। और इसी तरीके से रजिस्टर 16 और मेमोरी 16 का भी डेटा जो है, अगर आपने शिफ्ट करा राइट में तो ये भी किस में चला गया, कैरी फ्लैग में चला गया। B0 से B7 तक था ऊपर वाली उसमें 8 बिट रजिस्टर, और नीचे वाली में B11 से B15 तक, सॉरी B0 से लेके B7 तक था, और ये B8 से लेके B15 तक। तो ये भी अगर शिफ्ट करा आपने तो कैरी फ्लैग में चला जाएगा B8 का। और इसी तरीके से शिफ्ट लेफ्ट, ये देखिए आप शिफ्ट लेफ्ट, अब इसके अंदर भी क्या होता है, ये जो कमांड है शिफ्ट द मेमोरी और रजिस्टर काउंट, और शिफ्ट द मेमोरी और रजिस्टर काउंट लेफ्ट बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स। द नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेरिएबल काउंट, बाय ए वेरिएबल काउंट आइदर वन और द नंबर कंटेंड इन द CL रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है वो, या आइदर वन। तो इसमें भी क्या है, अरिथमेटिकल और लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट्स आर आइडेंटिकल। तो इसके अंदर आप देखिए शिफ्ट लेफ्ट, अब इसके अंदर MSD वाली बिट जो है बाहर जा रही है, क्योंकि शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है वो जा रही है आपकी कैरी फ्लैग पे। इसी तरीके से नीचे देखिए आप, ये मेमोरी का कंटेंट शिफ्ट हो रहा है, रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है ये, इसके अंदर भी जो B15 वाली डिजिट है वो कैरी फ्लैग में जा रही है, जबकि ऊपर वाली में B7 जा रही है। तो इस तरीके से ये शिफ्ट ऑपरेशन होगी, जिसके अंदर की आपके डेटा आपका मेमोरी में या रजिस्टर के अंदर शिफ्ट हो रहा है। नाउ अब आइए आप RCR, ये क्या करता है, दिस रोटेट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कंटेंट राइट थ्रू कैरी बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट, ये रोटेट करता है। तो कैरी फ्लैग वाला अगर ये शिफ्ट रोटेट राइट है तो राइट, ये देखिए कमांड आप RCR रजिस्टर ऑब्लिक वन, तो ये एक इसने रोटेट करा
और जो कैरी फ्लैग का जो कंटेंट था वो किस में आ गया, एमएसडी में आ गया, और जो बी जीरो था वो किस में चला गया, कैरी फ्लैग में चला गया। तो रोटेट हो रहा है, एक चक्कर लग रहा है पूरा, एक बिट से शिफ्ट करा तो कैरी फ्लैग गया एमएसडी में और बी सेवन गया बी सिक्स में, और बी जीरो किस में गया, बी जीरो गया कैरी फ्लैग। इसी तरीके से RCR मेमोरी है तो मेमोरी के अंदर भी सेम प्रोसेस अपनाएगा, एक बिट से शिफ्ट हुआ तो ये कैरी फ्लैग वाला आ गया किस में, B15 में, अगर 16 बिट का रजिस्टर है। और जो B8 है वो किस में गया, कैरी फ्लैग में गया। तो ये इस तरीके से ये आपके रोटेट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कंटेंट राइट थ्रो कैरी RCR। अब ये RCL क्या है, अब ये RCL जो है रोटेट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कंटेंट लेफ्ट थ्रो कैरी बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट। अब ये लेफ्ट रोटेट हो रही है, तो लेफ्ट रोटेट हो रही है तो नेचुरल है जो बी जीरो का कंटेंट कैरी फ्लैग में आ जाएगा, और कैरी फ्लैग वाला किस में चला गया, LSD में चला गया। तो रोटेट लेफ्ट रजिस्टर कॉमा अन, तो इसमें बी जीरो वाला कैरी फ्लैग में गया, और कैरी फ्लैग जिस पे ये MSD थी, MSD तो आ गई कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग का कंटेंट किस में गया, B7 में गया, LSD में गया, सॉरी B0 में गया, और B7 का कैरी फ्लैग में, कैरी फ्लैग का LSD में, B0। तो ये रोटेट लेफ्ट हो गया, ये रिवर्स है उसकी रोटेट राइट की, RCR की रिवर्स क्या है, RCL। इसी तरीके से रोटेट मेमोरी, रोटेट लेफ्ट जो मेमोरी 16 बिट का रजिस्टर या मेमोरी है, तो इसके अंदर जो B15 है वो तो कैरी फ्लैग में आ गया, और कैरी फ्लैग किस में गया, कैरी फ्लैग चला गया B8 में, तो ये शिफ्ट हो गई इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ी, एंड पढ़ी, और पढ़ी, XOR पढ़ी, टेस्ट पढ़ी, SHR, SHL, RCR और RCL। तो ये सब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे की इंस्ट्रक्शन लेंगे। तो थैंक्स अ लॉट सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।